आप नंदू से बात कीजिए। नरेन जी, मैं जानता हूं कि तुम मुझे सुन रही हो। मुझसे बात नहीं करना चाहती ना? नरेन जी, जब आप हम जैसे अनजान लोगों के अनजान माँ बाप को समझा सकते हैं जिनसे आप जीवन में कभी नहीं मिले, तो आपके अपने बाबूजी को समझाना आपके लिए कौन सी बड़ी बात है? शाका, सबसे पहले तो तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद कि तुमने मुझे वो आवाज सुनाई जिसको सुनने के लिए मैं तरस रहा था। और रही बात मेरे बाबूजी की, मैंने बहुत कोशिश की उनको मनाने की, लेकिन वो शादी के लिए नहीं माने और ना ही मेरा दिल किसी और से शादी करने के लिए मान रहा है। तो मैं तुम्हें एक बात साफ साफ बता देता हूं, मेरी शादी होगी तो सिर्फ और सिर्फ नंदिनी से होगी। बा पान। हाँ, बरोबर मारू छे ने? हाँ हाँ बा। बा, मुझे लगता है कि नरेन के बारे में अभी हमें ज्यादा देर नहीं लगानी चाहिए। तुम क्यों लगा रहा है भाई? बात कर लेना सुजान भाई से। वो कौन रोक रहा है तुझे? बैठो बैठो आराम से। बा, वैसे सुजान भाई बहुत गुस्सा थे, हाँ, लेकिन मैंने उनको समझाया है और कहा है कि अब हमारी तरफ से उनको शिकायत का कोई मौका नहीं मिलेगा। एक मिनट, जो हो रहा है वो अच्छा नहीं हो रहा। अब किसी से दिल ना लगे तो उसके साथ रिश्ता करके क्या फायदा? कौन बोला ये? दवल, नाला यार। अरे हो नहीं बा, नानकू बोला, मैं तो आपके पीछे खड़ा हूँ। ए नानकू, तू अजू जागे छे? ए अपरे उगन सी रतन सी, हाँ, जब कुछ काम होता है तब तो। बापू जी, नरेन आओ आओ बेटा आओ। बा, नरेन आया है। अरे नरेन, जैसे कुछ कैसा बेटा? 100 वर्ष जीवन हो चे तू। जैसे अभी तेरी बात चल रही थी बेटा, कैसा है? ठीक हूँ बा। बाबूजी, मुझे मेरा पासपोर्ट चाहिए। पासपोर्ट? क्यों, पासपोर्ट क्यों चाहिए तुम्हें? माँ, वो ऑफिस के काम के लिए, वो क्या है ना कि डायमंड एक्सपोर्ट फॉर्मेलिटीज कंप्लीट करने थी क्लाइंट्स के साथ, शायद इसके लिए मुझे यूएसए भी जाना पड़े। तो बस अपने बाप से झूठ बोलना सिखा दिया उस लड़की ने। कहाँ की संस्कारी।
दे दो। दे दो? अरे दे दो। ए, हेमू, ये लड़का तेरा बिजनेस देखना कहां से कहां ले जाएगा। हाँ, मुझे पूरा विश्वास है इसके पर। हाँ, विश्वास तो हम सबको है कि नरेन हमारा भरोसा नहीं तोड़ेगा। नहीं तोड़ेगा ना नरेन? ये ले पासपोर्ट, इसमें से जो तुम्हारा है निकाल लो। जी। पासपोर्ट होगा तो जाएगा ना बेटा, और जहां भी जाएगा सुजान भाई की बेटी के साथ जाएगा, और वो भी हनीमून पर। मिल गया। इसका पासपोर्ट तो मैंने गद्दे के नीचे छुपाया था, तो वापस तिजोरी में कैसे पहुंचा? मैं चलता हूं बा। चल आजा, पैर दबा दे जरा। नींद पूरा नहीं हुआ क्या? हाँ, मोटा भाई के सामने ऐसे कैसे बोला? बस मुंह से निकल गया। मुंह से निकल गया? जब भागो आराम कर, तू जा मेरे साथ। धवल विरल, बाहर हॉल में रुको, मैं आ रहा हूं अभी। और क्या मेरे साथ? जी मोटा भाई। चंचल जी, बाको यहाँ आराम करने दो, और बाकी सबको हॉल में इकट्ठा करो। इस समय सब सो रहे। बाकी सबको हॉल में इकट्ठा करो। जी। मैंने तुम सबको यहाँ पे एक सवाल पूछने के लिए इकट्ठा किया है। उससे पहले मैं एक बात बता दूं, नरेन को यूएस में जॉब मिल गया है, और वो हमेशा के लिए यूएस जा रहा है सेटल होने के लिए। ये क्या कह रहे हो आप? नरेन हमें छोड़कर कहीं और कभी नहीं जा सकता। उसने तैयारियां शुरू कर दी है, क्योंकि उसकी शादी उस लालची नंदिनी से नहीं हो रही है, इसलिए वो मेरे पास पासपोर्ट मांगने आया था। नहीं, मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगी। मैं अभी उससे बात करती हूँ, ऐसे कैसे मुझे छोड़कर जा सकता? चल, तुम बात करो, सुने तो पूरी बात सामने ले जा। मेरी पूरी बात सुने बगैर अगर कोई चला जाता है तो वो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। उस लड़की के संस्कार उसे वापस ले आए, यही कहा था ना उसने, तो फिर क्यों भाग रहा है वो? भले उस लड़की के साथ नहीं जा रहा है, लेकिन जा तो रहा है। क्या पता वहां जाने के बाद वो नंदिनी को भी वहां बुला ले। चलो हमारे नहीं, कम से कम उस लड़की के संस्कार का तो मान रख लेता वो। डबल, तुम क्यों इतना हैरान होने का दिखावा कर रहे? तुम तो सब जानते हो। क्या बात करें मोटा भाई, मैं कैसे? कैसे? कल तुम और जिगर यहाँ हॉल में थे, तब वो आया था ना वीजा की बात करने। क्या नाम था उसका? नाम तो... नाम बोल। विजय। विजय, हाँ यही नाम था मोटा भाई। पर हमें तो सचमुच में लगा कि नरेन यूएस जॉब के लिए जा रहे हैं, और इस मुद्दे पर हम आपसे बात भी करना चाहते थे। जब नरेन यहाँ पासपोर्ट मांगने आया तो उसने बोला मैं फैमिली बिजनेस के लिए जा रहा हूँ, तो हमें लगा अच्छा ही है, जा रहा है तो फैमिली बिजनेस। मैंने नरेन और विजय की सारी बात सुन ली थी, इसलिए मैंने नरेन का पासपोर्ट
तिजोरी से निकालकर अपने पलंग के गद्दे के नीचे छुपा दिया था ताकि ना ही उसे पासपोर्ट मिले और ना ही वो यूएस जा सके। और मुझे नहीं लगता कि मैंने कुछ गलत किया था। लेकिन पासपोर्ट तो तिजोरी में था। मैं वही जानना चाहता हूँ कि इस घर में किसके हाथ इतने लंबे हो गए हैं जो मेरी पीठ के पीछे मेरी तिजोरी तक पहुंच सके। जब मैंने नरेन का पासपोर्ट तिजोरी से निकालकर अपने पलंग के गद्दे के नीचे छुपा दिया था तो उस पासपोर्ट को फिर से पलंग के गद्दे से निकालकर तिजोरी में किसने रख दिया? मैं जानना चाहता हूं कि इस घर में वो कौन है जो मेरी पीठ के पीछे मेरी जासूसी कर रहा है। कौन है इस घर में जिसने मेरा हुक्म ना मानने की जरूरत की? और कौन है वो जो चाहता है कि नरेन हमेशा के लिए यूएस चला जाए? आपने तो नहीं किया ना? प्यारक पदुड़ी, अगर मेरे हाथ में पासपोर्ट आता तो तुझे ऐसा लगता है कि मेरा सबसे प्यारा बच्चा, हाँ, उसको मैं मेरे से दूर यूएसए जाने देता? दो भी। ये काम धवल ने किया है। उठा भाई, मैंने या फिर जिगर तुमने? मोटा बापू मैं, रौनक तुमने या जलपा तुम? नहीं नहीं नहीं, मैंने कुछ नहीं किया। बस या मैं बिना सबूत किसी पर इल्जाम लगाना नहीं चाहता, लेकिन यह सुनकर किसी को खुश होने की जरूरत नहीं है कि मुझे इस बात का पता नहीं चलेगा। वो जो भी हो उसे प्रायश्चित करने का एक मौका देता हूं मैं। आज रात का टाइम है, वो जो भी हो कल सुबह मेरे कमरे में आकर अपना गुनाह कबूल करे और उसका कारण बताए तो वो बात हम दोनों के बीच में रहेगी, वरना कल अगर मैंने उसे ढूंढ लिया तो उसका क्या हाल होगा ये मुझे तुम्हें बताने की जरूरत नहीं है। जाओ अपने कमरे में और पूरी रात सच्चाई का सामना करने की हिम्मत जुटाओ और एक बात अच्छी तरह से समझ लो, ये जिसने भी किया है वो भूल रहा है या भूल रही है कि पूरे सौराष्ट्र और गुजरात में हीरा हो या इंसान, सच और झूठ की पक्की परख रखने वाला एक ही सच्चा व्यापारी है, हेमराज रतन सेठ। तेरे हाथ की बनी खांडवी लेके जाऊंगी अपने ससुराल और वहां जमाऊंगी अपना सिक्का। ये ले, कढ़ाई और कच्ची हो गई, और कुछ? नंदू, तुझे याद है तूने मुझसे कहा था कि खाना जब पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ बनाते हो ना तो खाने का स्वाद ही अलग बन जाता है, और इसे मुंह लटका के बनाएगी ना तो खाने का स्वाद तो छोड़, खाने की पौष्टिकता भी मर जाएगी। अच्छा, मेरी बिल्ली मुझे से मिया, तुझे हंसाने की कोशिश करी थी यार। नरेन जी को याद करके जो तेरे चेहरे पे उदासी है ना, बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही। अच्छा यार, तू फिर सीरियस हो गई? मेरी गलती है, मुझे नरेन जी का नाम ही नहीं लेना चाहिए था। अच्छा नंदू, उस दिन उन्हें तेरे हाथ की खांड भी बहुत अच्छी लगी थी ना, मैं तो कल तक यही सोच रही थी कि उस दिन तूने मेरे नहीं अपने होने वाले दूल्हे के लिए खांड भी बनाई थी। और आज क्या लगता है? मुझे तो आज भी यही लगता है। मेरा यकीन कर नंदू,
जो लोग एक दूसरे के लिए बने होते हैं ना, उन्हें एक होना ही होता है, और यही होगा, तो देखना। विशाखा? हाँ? देख जरा दरवाजे पर कौन है? हाँ, मैं भी आई। इतनी बड़ी बात और आपने मुझे बताई भी नहीं। अगर पहले बता देते तो मैं उसे पासपोर्ट देने से साफ मना कर देती। चंचल, ये सब कुछ बताकर मैं तुम्हें परेशान करना नहीं चाहता था, क्योंकि मेरा बेटा वो हीरा है जिसे मैंने तराश के तैयार किया है अपने बिजनेस के लिए, और मैं नहीं चाहता था किसी प्यार मोहब्बत के फालतू चक्कर में वो अपनी जिंदगी बर्बाद करे, क्योंकि मेरे बाद वही तो है जो मेरे बिजनेस को आगे बढ़ाएगा। आपको बस अपने बिजनेस की पड़ी है। हमारा बेटा हमेशा के लिए हमसे दूर जा रहा है और आप पर कोई असर ही नहीं, और आपने भी उसे रोकने की कोशिश की है ना? नहीं माना आपसे। देखिए, उसे रोकने का एक ही तरीका है, वो जो चाहता है उसे दे दीजिए। बेटा सबके सामने अपनी जिद पूरी कर मुझे हराना चाहता है, और तुम भी वो जिद पूरी करवाना चाहती हो, और वो भी मुझसे। यहाँ कोई युद्ध नहीं हो रहा, जहाँ हार या जीत की बात हो रही है। उसकी जिंदगी है, जिसके साथ चाहे जिए। ये मेरा घर है, और मेरे घर में आएगी वो लड़की, वो भी रतन सिंह परिवार की बहू बनकर। उसके परिवार की औकात नहीं है एक रिवाज पूरा करने की, और चंचल हमारी संस्कृति रीति रिवाज पर टिकी हुई है। हमारे पूर्वजों ने कुछ सोच समझ कर इसे बनाया है, और मेरा मानना है कि शिस्त, अंकुश और रीति रिवाज की वजह से ही आज का एक परिवार इस जमाने में एक साथ रह सकता है। तो क्या आप अपने पुरखों के बनाए रीति रिवाजों पर अपने बेटे की बलि चढ़ा देंगे? भावनाओं में बहकर कुछ भी मत बोलो चंचल। तुम जानती हो कि बचपन से लेके आज तक कितनी रातें हमने जाकर गुजारी है उसके लिए, कितनी तकलीफें सही है, कितना संघर्ष किया है मैंने उसे काबिल बनाने के लिए, ताकि वो मेरा बिजनेस संभाल सके जो मैंने उसके लिए खड़ा किया है। पापा मोटा बापू तो धीरे बोल। तेरी माँ को अगर सच्चाई पता लगे कि सीधे मोटा भाई को जाके सब बता देगी। हमारी दुश्मन नंबर वन है, जानता है ना तू? अरे पर वो कन्फेशन मांग रहे हैं पापा। आपको क्या लगता है उन्हें पता चल गया ये कांड किसने किया है? तू टेंशन क्यों ले रहा है? अभी मेरे होते हुए पापा उन्होंने अल्टीमेटम दिया है रात तक कन्फेस करने का। अब बताइए आप, कोई खुद से कबूल क्यों करेगा? और अगर अगर पापा रात तक किसी ने कबूल नहीं किया ना, तो सारा का सारा शक हम पर। शक होने में और यकीन होने में जमीन आसमान का फर्क है। जब तक कुछ साबित नहीं हो जाता, हमसे मासूम और शरीफ कोई नहीं। तू बस ऐसे चेहरा बना के रख, देख मासूम बिल्कुल। और बाकी सब तुम मुझ पर छोड़ दे। देखिए सेठ जी, मैं जानती हूँ आपने उसके लिए क्या किया, इसलिए कह रही हूँ कि आपका सारा संघर्ष सारी कुर्बानी बेकार चली जाएगी अगर वो अमेरिका चला गया। तो मैंने ये सब कुछ इसलिए किया ताकि वो मुझे अमेरिका जाने का डर दिखाकर ब्लैकमेल कर सके। चंचल मुझे अच्छा लगता है कि इस तरह उसका पासपोर्ट छुपा कर सबकी खबरें लेना। बाप हूँ उसका, मैं नहीं चाहता कि वो मुझसे दूर चला जाए। हो सकता है कि मेरे सिद्धांत उसकी इच्छा के आड़े आ सकते हैं, लेकिन मेरी परवरिश के भी कोई मायने नहीं है। मेरा रुतबा, मेरा आत्मसम्मान की उसे परवाह नहीं, ना सही, लेकिन बाप हूं उसका। अगर उसे मेरी परवाह नहीं है तो ठीक है, जा सकता है वो। आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मुझे पड़ेगा, क्योंकि मैं उसकी माँ हूं। आपके पास तो बिजनेस है ना, अपने आप को व्यस्त कर लेंगे उसमें और भूल जाएंगे कि आपका कोई बेटा भी है। पर मेरे लिए वो मेरी जान, मेरी आत्मसम्मान से बढ़कर है, क्योंकि जब से वो मेरी गोद में आया ना, तब से लेकर आज तक मैंने एक पल के लिए भी उसे अपनी आंखों से ओझल नहीं किया, और आज वो हमेशा के लिए मुझे छोड़कर चला जाएगा।
मैं यहाँ कैसे जीऊंगी उसके बिना, कैसे जीऊंगी? चंचल, जान भाई की बेटी से रिश्ता जोड़कर भले ही आप संपत्ति और प्रतिष्ठा बढ़ा लें अपनी, पर जब हमारा बेटा ही खुश नहीं रहेगा तो क्या करेंगे संपत्ति का, क्या करेंगे प्रतिष्ठा किस काम की? मैं आपसे हाथ जोड़कर कहती हूँ सेठ जी, अपने बेटे की खुशी के लिए अपनी जिद छोड़ दे। इस उम्र में आपके पास बाकी की जिंदगी जीने के लिए रुतबा है, दौलत, शोहरत, बिजनेस, सब कुछ है, और मेरे पास सिर्फ मेरा बेटा, सिर्फ मेरा बेटा। और हाँ, अगर नरेन यहां से गया ना तो मैं भी उसके साथ जाऊंगी। चंचल, हाँ धवल जी। मोटा भाई आओ आओ, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था। कब से मैं सोच रहा था कि इस घर में वो कौन है जो इतना बड़ा रिस्क ले सकता। जवाब मिला कि जिसका दिल और दिमाग बिजनेसमैन का हो वही। देखो देखो, आपने बोला था मोटा भाई बिना सबूत के आप किसी पर इल्जाम नहीं लगाओगे। हाँ, लेकिन उसके बाद सब अपने अपने कमरे में आराम से जाकर सो गए थे, लेकिन एक जिगर बौखलाया हुआ था। वो तुम्हारे पास आया तो तुम्हारे कमरे में। जब शक गहरा हो जाए तब वो सबूत बन जाता है। लेकिन मोटा भाई, अब तुम अपने आप को निर्दोष साबित करने की कोशिश करोगे या फिर तुमने ऐसा क्यों किया ये मुझे समझाने की कोशिश करोगे? अब क्या कहना है तुम तय करो। मैंने अगर अपने आप को निर्दोष साबित करना होता तो मैं आपके पास माफी मांगने क्यों आता मोटा? हाँ, मैं मानता हूँ मैंने गलती की, पर मेरा इरादा गलत नहीं था। आप तो मुझे बचपन से जानते हैं, मैं तो आप ही का लक्ष्मण हूँ। मैंने हमेशा आपके कदमों पर चलने की कोशिश की है, कभी कोई ऐसा काम नहीं किया जो आपके खिलाफ हो। जो भी कुछ किया है वो आपने खुद किया है। मैंने किया है, वो भी मेरे खिलाफ। आप ही ने तो किया है मोटा भाई। जब नरेन को विजय मिलने आया था उसी दिन मैंने आपके पीछे आकर देख लिया था कैसे आपने तिजोरी से पासपोर्ट निकालकर। आपने छुपा दिया और उसके बाद मैंने वो पासपोर्ट निकालकर तिजोरी में वापस रख दिया। लगा कि आपका बेटा इतना मूर्ख है कि उसे पता नहीं लगेगा कि पासपोर्ट क्यों नहीं मिल रहा। ऐसे भी नंदिनी को लेके आप दोनों के बीच में दरार आ चुकी है और मिसिंग पासपोर्ट की वजह से दरार और ना बढ़ जाए इसलिए मैंने ये किया मोटा भाई। बस इसीलिए मैंने दुस्साहस किया। दरार आ जाती तो आ जाती, लेकिन वो अमेरिका तो नहीं जाता। दुनिया में जी रहे हो आप मोटा भाई, आपको क्या लगा पासपोर्ट छुपा देंगे तो नरेन अमेरिका नहीं जा सकता? आजकल तो डुप्लीकेट पासपोर्ट बनाना ना चुटकियों का काम हो गया मोटा भाई, और मिसिंग कंप्लेंट पासपोर्ट की लिखवाकर नया पासपोर्ट बनवाना कौन सा मुश्किल काम है? अकल है कि नहीं तुझमें? पासपोर्ट छुपा के मैं टाइम खरीद रहा था,
अब उसे पासपोर्ट मिल गया है, हो सकता है कल का कल अमेरिका चला जाए। ऐसे कैसे चला जाएगा मोटाबा, अभी तो वीजा का इंटरव्यू आना है, फिर वीजा आना है, तब जाएगा ना, अभी तो बहुत समय है उसके पास। नरेन इस परिवार को छोड़कर हमेशा के लिए यूएस चला जाए, ऐसा तो परिवार में कोई भी नहीं चाहता है। मैं तो बिल्कुल भी नहीं चाहता मोटा भाई, क्योंकि मैंने उसके बिजनेस स्किल्स को पहचाना है, हमारे खानदान का बिजनेस टाइकून है, से ऐसे थोड़ी जाने देंगे हम। अगर अभी भी आपको लगता है कि मैंने गलती की है तो मैं क्या सबके सामने अपना गुनाह कबूल करने को तैयार हूं मोटा भाई। धवल को मेरे साथ देखकर आप समझ ही गए होंगे कि कल रात से जिसे मैं ढूंढ रहा हूं वो कौन है। वो और कोई नहीं, धवल है। आप इसके बारे में कुछ और ज्यादा सोचे उससे पहले एक बात बता देना चाहता हूं कि इसने जो किया गलत किया, लेकिन उसका इरादा गलत नहीं था। वो नहीं चाहता था कि मेरे और नरेन की दूरियां और बढ़ जाए। आज तक इस परिवार को मैंने एक साथ संभाल कर रखा है, धवल भी वही करना चाहता था। धवल काका, मैं आपकी सराहना करता हूं कि आपने मेरे और बापूजी के रिश्ते के बारे में सोचा, लेकिन मैं आपको एक बात का यकीन भी दिलाता कि मेरे और बापूजी के रिश्ते में कोई दूरियां नहीं है, लेकिन फिर भी मैं यहां से जाना चाहता हूं, क्योंकि मैं अपनी आंखों के सामने तीन तीन जिंदगियां बर्बाद होते हुए देखना नहीं चाहता। इसीलिए आज मैं मुंबई जा रहा हूं, कल सुबह यूएस के वीजा के लिए मेरा अपॉइंटमेंट है। पर बेटा तू ऐसे नानकू काका, मैं बहुत अच्छे से जानता हूं कि यहां आप सबके पास अपनी अपनी वजह है मुझे रोकने के लिए, लेकिन मैं आप सबसे माफी चाहता हूं, क्योंकि मेरे पास सबसे बड़ी वजह है यहां से जाने के लिए। हो सके तो मुझे माफ कर दीजिएगा और आप सब अपना ख्याल रखिएगा। हेलो, हाँ बोल रहा हूं। अच्छा, किंजल, एनी आइडिया किसका कॉल हो सकता है? पिछले तीन बार के चुनाव में हमारी पार्टी जनशक्ति न्याय मोर्चा विजयी रही है, और मुझे पूरा विश्वास है आने वाले चुनाव में भी हम ही विजयी रहेंगे। साहब जी मालिक, अमराज भाई रतन सिंह आए, उनको अंदर लेके आओ। जी मैम। आप लोग बाहर इंतजार कीजिए, मैं बुलवाता हूँ। ठीक है सर। जय श्री कृष्ण किम जी साहब। जय श्री कृष्ण सेठ। अरे हाथ क्यों जोड़ रहे हैं, गले मिलिए।
आइए बैठिए जी। शुक्रिया। कहिए मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ? आपकी मदद चाहिए थी इसलिए आपका अपॉइंटमेंट लिया मैंने। इसी को तो टेलीपैथी कहते हैं। मैं खुद आपसे मिलना चाह रहा था। खैर अभी आप अपनी बात बताइए। मेरा छोटा मोटा राजकोट में डायमंड का बिजनेस है, रतन सिंह डायमंड्स के नाम से। क्या सेठ, आपका डायमंड का बिजनेस छोटा बिजनेस? अगर आपके डायमंड के बिजनेस को छोटा बिजनेस कहेंगे तो फिर बड़ा बिजनेस किसे कहेंगे? मैं यही सोच रहा हूँ। बस उसी बिजनेस को थोड़ा बड़ा बनाना चाहता हूँ। अहमदाबाद राजकोट हाईवे पर आपकी जो जमीन है उसमें से अगर मुझे थोड़ी मिल जाए, क्या मैं वहाँ पे एक फैक्ट्री बनाना चाहता हूँ, डायमंड फैक्ट्री। उसमें अगर आपकी मदद मिल जाए तो आपकी कृपा होगी। कृपा तो श्रीनाथ जी की है, उनकी कृपा से ही आज हम लोग साथ बैठे। आपको मेरी मदद की जरूरत है और मुझे भी आपसे एक मदद चाहिए। यह है हमारा नया प्रोजेक्ट, राजकोट उपलेटा हाईवे पर। यह हमारा ड्रीम प्रोजेक्ट है। यहाँ पर मैं NRIs के लिए एक बहुत बड़ी टाउनशिप तैयार कर रहा हूँ। ये जगह राजकोट और सोमनाथ के बहुत करीब है, इसलिए मैंने यहाँ की तकरीबन सारी ज़मीनें दोगुने भाव पर खरीद ली हैं। लेकिन कुछ ज़मीनें हैं उपलेटा के पूर्व में, उनमें से 6 ज़मीन के मालिक ज़मीन बेचना नहीं चाहते। मैं जोर ज़बरदस्ती मानता नहीं, लेकिन साम दाम दंड भेद ये तो हमारी संस्कृति का हिस्सा है। और फिर जब मुझे पता लगा कि आपकी अखिल भारतीय सिंधु सोनावर समाज की शाखाएं उपलेटा तक फैली हैं और उसके प्रमुख आप हैं, मैंने सोचा कि इन 6 लोगों को शायद आप कन्विंस कर सकें। अगर मेरा काम हो गया तो समझिए आपका काम भी हो जाएगा। ये अर्जन किंग जी का वादा है। 6 लोगों के नाम दीजिए, मैं पर्सनल तौर पे देखूंगा कि आपका काम हो जाए। ये हेमराज रतन सिंह का वादा है। दे दो। जी मालिक। आप हमारी मदद कीजिए और हम आपकी मदद करेंगे। ये ले पासपोर्ट। मैंने अपना पासपोर्ट कल रात को ही ले लिया था। मेरा पासपोर्ट है, मुझे भी तेरे साथ जाना है। आपको पता है ना कि आप मेरे साथ नहीं चल सकते। देख रही है ये तल, जब ये छोटा था ना, सारा दिन मेरी साड़ी का पल्लू पकड़ कर घर पे घूमता रहता था, एक पल के लिए भी मुझे छोड़ता नहीं था। और अब देख बड़ा हो गया ना, इसलिए। ओ माँ, इसे रोते नहीं है। तब परिस्थितियां अलग थी ना, तब मैं बच्चा था माँ, तो आपकी जिम्मेदारी सिर्फ मैं था। लेकिन अब आपकी जिम्मेदारियों का दायरा बढ़ गया है, क्या आप बहुत अच्छे से जानती हैं। और मैं वैसे भी कौन सा कल US जा रहा हूं, हाँ?
मुंबई जा रहा हूँ माँ, यूएसए का वीजा अपॉइंटमेंट है, और आप तो अभी से इतना रोना शुरू कर दिया। कभी तो जाएगा ना, और मुझे रोने भी नहीं देगा। कम से कम मेरे आंसू बहे तो मेरा अधिकार रहने दे। एक सेकंड मां, फोन उठा, नंदिनी का फोन है, उठा ना, बात कर, जाना बात कर। हेलो नंदिनी। हेलो नरेन जी, नरेन जी आज मैं बहुत खुश हूँ, बहुत खुश हूँ। मैं यहाँ हमेशा के लिए यूएस जा रहा हूँ, और आप वहाँ खुश हैं। आपने मैसेज नहीं पढ़ा जो मैंने आपको सेंड किया था? क्यों, आपने मुंबई जाना कैंसिल नहीं किया अब तक? कैंसिल क्यों करूंगा नंदिनी? आपके बापूजी ने बताया नहीं आपको क्या? यही कि अगर किसी चीज को पूरे दिल से चाहो तो सारी कायनात आपको उससे मिलाने की साजिश में लग जाती है। नंदिनी आप ये पहेलियां बुझाना बंद करेंगी और मुझे बात बताएंगी साफ साफ कि क्या बात है? नरेन जी अभी अभी मेहुल भाई आए थे, उन्होंने बताया कि आपके बापूजी का फोन आया था हमारे रिश्ते की बात करने के लिए। मेहुल भाई और मामा जी को राजकोट यानी कि आपके घर बुलाया है। क्या? इसीलिए मैं बहुत खुश हूँ नरेन जी। सच्ची? हाँ आप भी खुश हो जाइए। अच्छा अच्छा नंदिनी मैं आपको थोड़ी देर में कॉल बैक करता हूँ। ओके ओके ओके। यस यस, बैग पकड़। क्या बात है भाई, तेरी चाल ढाल तो एकदम बदल गई। तूने नंदिनी को बताया कि तू मुंबई जा रहा है? मुंबई मैं नहीं जा रहा, और अगर मुंबई तुझे जाना है तो तू जा। तू जा रहा है और कौन जा रहा है? मैं कोई मुंबई मुंबई नहीं जाना, ना मुझे मुंबई जाने का कोई शौक है, और ना मुझे हीरो बनने का शौक है। तू तो पहले से हमारा हीरो है, लेकिन ये बता ये प्लान बदला कैसे? ओए मेरी भोली काकी और प्यारी सी माँ, बदलाव ही सृष्टि का नियम, समझी? ओए होए चलो। बाबू इसने यूएसए जाने का प्लान कैंसिल कर दिया, नंदिनी से बात करने के बाद इसका मन बदल गया। अरे अब नहीं रहेगा तो ऑफिस में तेरी मेरी जिम्मेदारी तो बहुत बढ़ने वाली है। डोंट वरी पापा, आपका बेटा सब संभाल। लालकू काका, किंजल, कुणाल, समता काकी, रूपा भाभी, शल्पा भाभी सारे बाहर आइए। और नरेन, संता खाने में कुछ अच्छा सा बना। शूट है मेरा बेटा यूएस नहीं जा रहा। अरे मैं यूएस क्यों नहीं गया? वो क्या है ना नानकू काका, मेरे पास ना नंदिनी का कॉल आया, उसने मुझसे कहा कि बापूजी ने मामा को और मेहुल भाई को राजकोट बुलाया है शादी की डेट फिक्स कर ले। क्या हुआ भाई, चलो ना, मुंह फुला कर क्यों खड़े हो, चलो। तू जाना वहां पर, उन्हीं के साथ खड़ी होना जाके। थैंक यू, और ये सब ना आपकी वजह से हुआ है ना। थैंक यू बोलना है ना तो अपने बापूजी को बोल। तू खुश है ना? बहुत खुश, बहुत खुश। अच्छा मैं बा को बता के आती हूँ। शुभाचे शुभाचे। शुभा मतलब सुजान भाई की बेटी इस घर में शादी करके नहीं आएगी, और हम पर कोई रोप नहीं जमाएगा, और हम दोनों इस घर में रानी बनकर रहेंगे। नहीं नहीं तू नहीं, मैं रानी बनकर रहूंगी। हे भगवान, आपका बहुत आभार कि सेठ जी नंदिनी और नरेन के रिश्ते के लिए मान गए। ए चंचल तू रो रही है? नहीं बा, ये तो खुशी के आंसू है। अरे डोबी, पति औलाद के आगे हार गया तो बेटे की जीत का जश्न मना रही है,
याद है कि नहीं मैंने क्या कहा था, पति की जीत में ही पत्नी की जीत होती है। हाँ बा, मुझे याद है। आपने ये भी कहा था कि रिश्तों में कभी हार जीत नहीं होती, क्योंकि बस चुप। पता भी है कितना जलील हुआ होगा मेरा बेटा अपनी नजरों में। वो लड़की अभी तक आई भी नहीं घर में, आने से पहले ही उसने अपने ससुर का सर झुका दिया बेटे के सामने। घर में आएगी तो पता नहीं क्या क्या करेगी वो विष्णुती। सुना सुरभि, मामा और मेहुल भाई जाने वाले हैं नरेन जी के घर हमारे रिश्ते की बात करने। ओहो, स्माइल तो जो काकी। नंदू, मैं तेरे लिए बहुत 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 खुश हूँ। जिसने हमारी जोड़ी मिलाई है, खुद उसकी जोड़ी अधूरी कैसे रह सकती है। मामा, क्या बात है, अद्भुत। बहना, अभी से सबको गले लगाकर रोने की प्रैक्टिस कर ले। अरे और नंदू, ऐसे देखा जाए ना तो रिश्ता करने मामा के साथ मैं जा रहा हूँ। अरे आम जुआ जे, तो ये सब मेरे थकी हुआ है ने। मतलब सब क्रेडिट तो मुझे ही मिलना चाहिए, बराबर ने? ले पहले आशीर्वाद मेरा लेना चाहिए, ठीक है? बसो, अबे बहुत थैंक यू, इन्हें वधा रे रान नहीं कर। जितने दिन मैं के में ना, उसे शांति से रहने दे। चल विशाखा, खेत चलते माँ को खबर देने। मामा, मैं जाऊँ? यकीन ही नहीं होता नंदू कि हेमराज रतन सिंह मान गए। इतने बड़े आदमी है वो, इतनी आसानी से कैसे मान गए? यकीन तो नहीं हो रहा। तू तो जानती, मैंने हमेशा से यही चाहा था, पर ये नहीं सोचा था कि इतना जल्दी और इतनी आसानी से मिल जाए। ये सब मेरी माँ का आशीर्वाद। बस अब सब हमेशा खुश रहे। मामा, मामी, मितेश, तू तो जानती है ना विशाखा, मैं माँ से सारी बातें शेयर करती हूँ। वो लड़की यहाँ आएगी तो फिर क्या क्या तमाशा करेगी देख लेना। अरे एमू आया। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण बेटा, जय श्री कृष्ण। अरे क्या कर दिया हेमू तूने, ये इस उम्र में इसके पर निकल आया है, उड़ रही है तितली की तरह इधर उधर। चल जा यहाँ से, अब जा। गई क्या? गई बा। अरे हेमू। हाँ बा। तूने तो कहा था उस लड़की के घर वालों की कोई हैसियत नहीं है कुछ देने की, फिर तूने शादी के लिए हाँ कैसे कर दी? बा, मैंने कहा हाँ की है, इसलिए तो मैंने लड़की के मामा और हमारे सोनावर समाज के कार्यकर्ता मेहुल को यहाँ बुलाया है शादी की बात करने के लिए। बात बन भी सकती है और बिगड़ भी सकती है, और अगर बात रही हैसियत की तो मैंने इसीलिए उन्हें यहाँ बुलाया है कि यहाँ आकर वो देख ले कि हमारे साथ रिश्ता जोड़ने की उनकी औकात है या नहीं। विशाखा, नरेन जी ना, वो इंसान की हैसियत पैसों से नहीं, उनके विचारों से तोलते हैं। मेरी तरह वो भी दहेज के खिलाफ है। और पता है, पहले पहले ना उनके बापू जी हमारे रिश्ते के खिलाफ थे, तो शायद नरेन जी ने उन्हें बहुत अच्छे से मना लिया, तभी तो मामा जी और मेहुल भाई को मिलने बुलाया। सब सब अच्छे से हो जाए, मुझे तो इस बात की राहत है कि मेरे मामा जी को आर्थिक रूप से कभी किसी के सामने हाथ नहीं फैलाने पड़ेंगे। सच में नंदू, कितनी राहत की बात है ना, इस मामले में तू और मैं दोनों बहुत भाग्यशाली हैं। सच बा, सबको लगता है कि मैं मान गया हूं, तो उन्हें मान लेने दो। मैं भी यही चाहता हूँ कि ये लोग यही सोचे, ताकि जब बात बिगड़े तब इल्जाम मुझ पर ना आए। और बात रही बेटे की, तो बेटे के सामने झुकने में मुझे कोई एतराज नहीं है,
पर हर बात की एक कीमत होती है बा। आने दो उनको, देखता हूं कितने पानी में हो। मुझे पहले लगता था कि मोटा बापू सिर्फ स्ट्रिक्ट है, इस घर में अपना राज चलाना चाहते हैं, लेकिन इस तरह का डबल स्टैंडर्ड रखते होंगे मैंने कभी सोचा नहीं था। आज ना वो मुझे दो मुंह वाले सांप की तरह दिख रहे हैं। रौनक, तो क्या बोलूं मां, क्या बोलूं? आज अपने बेटे की बारी आई तो सीने में दर्द जाग उठा। ये दर्द तब कहां था जब मैं चीख रहा था, गिड़गिड़ा रहा था कि मेरी शादी उससे करवा दो जिसे मैं प्यार करता हूँ। क्योंकि नरेन भाई ने एक स्टैंड लिया और तुमने सिर्फ हंगामा किया है। अच्छा, परिवार को छोड़ के यूएस चले जाने को स्टैंड कहते हैं? परिवार के साथ साथ जो प्रॉपर्टी आती है ना, धन दौलत रुतबा, वो सब को छोड़ने की हिम्मत को स्टैंड लेना कहते हैं रौनक भाई। और नरेन भाई वो सब छोड़कर जा रहे थे। काश, काश ये दिखावा ना मैंने भी किया होता तो आज मेरे सर पे आके ना कोई बैठी नहीं होती। रौनक, तुझे कितनी बार कहा कि तू बात बात पर रूपा बहू को ताने मत मारा कर। बेटा, वो कितनी अच्छी है जानता है तू? इस घर के सारे तौर तरीके, नीति नियम उसने कितनी अच्छी तरह से अपना लिए हैं। बस एक तू ही है जो उसे अपनाना नहीं चाहता। थोड़ी तो शर्म कर दिकरा, एक बार उसके नजर से सोच। रौनक भाई, आप एक बार। क्या रौनक भाई, जब तेरे साथ ऐसा होगा ना तब तुझे पता चलेगा। जब तेरे सर पे लाके किसी को लात दिया जाएगा ना तब तुझे पता चलेगा। जबरदस्ती के रिश्ते निभाना, मुझे लगा था कि तुम्हारी ये तस्वीर ना नंदिनी हमेशा के लिए अधूरी रह जाएगी, लेकिन फिर बापूजी का दिल धड़का अपने बेटे के लिए, और उसका कारण सिर्फ तुम हो नंदिनी। ये तुम्हारी गलत फहमी है नरेन। रौनक, तुम माफ करना, मैं तुम्हारा ये भ्रम तोड़ना नहीं चाहता था। भ्रम? कौन सा भ्रम? यही कि मोटा बापू ने नंदिनी के मामा और उस वेडिंग प्लानर को तुम्हारी शादी की बात करने के लिए बुलाया। तो और किस लिए बुलाएगा रौनक? हजार वजह हो सकती है, सिर्फ एक वजह को छोड़कर तुम्हारी शादी की बात। जहां तक मैं उन्हें जानता हूं ना, जब तक उन्हें अपना आर्थिक फायदा नहीं दिखता वो किसी भी चीज में आगे नहीं बढ़ते। तुम देख नहीं पा रहे हो नरेन, लेकिन कुछ तो ऐसा है जो वो कर तो रहे लेकिन बता नहीं रहे। जैसे काम हो जाए मुझे फोन कर देना, ठीक है? जय श्री कृष्ण। क्या मोटा भाई, जमीन खरीदी की बात चल रही है? बिजनेस में अगर आगे बढ़ना है तो ये सब करना पड़ता है भाई, पैसा कमाने का यही तो मजा है। बिजनेस की बात तो मैं समझता हूं मोटा भाई, पर मोटा भाई रिश्ते में आप ये क्या दिमाग लगा? आपने अचानक नरेन के लिए उस लड़की को स्वीकार भी कर लिया, फिर घर वालों को भी बुला लिया मिलने। नरेन का परिवार में बने रहना बहुत जरूरी है, हमारे बिजनेस के लिए भी और मेरी प्रतिष्ठा के लिए। कहीं ऐसा तो नहीं कि तू अमेरिका जा रहा था और मोटा बापू ने मौके का फायदा उठाकर हवा का रुख बदल दिया, क्योंकि तेरे चले जाने से उनका बिजनेस आसमान से सीधा धरती पर आ जाता ना। मुझे पता नहीं था रौनक कि तुम बापूजी के लिए इतनी घटिया सोच रखते हो।
दो बातें कहूंगा तुम। पहली बात, ये जो तुमने अभी बात की है ना बापूजी की बिजनेस की, जो आसमान छू रहा है, वो मेरे पैदा होने से पहले भी आसमान छू रहा था। और दूसरी बात ये कि बापूजी अपने बिजनेस को रिश्तों के तराजू से नहीं तोड़ते। ये तुम्हारी गलतफहमी है। मेरी गलतफहमी है ना, तो मुझे मेरी गलतफहमी में रहने दे। क्योंकि अगर तुम भूल रहे हो तो मैं तुम्हें याद दिला देता हूं कि बाबूजी ने जो जुबान सुजान भाई को दी थी वो वापस ले चुके हैं। इससे बड़ी बात क्या हो सकती है रौनक? अभी तक वो अपनी जुबान से मुकरे नहीं। हो सकता है कि जो जुबान तुझे दी अगर वो वापस ले ले। रौनक बस। जब कोई अपने ऐसी बातें करता है ना रौनक, तकलीफ होती है इधर, क्योंकि तू भाई है मेरा, प्यार करता हूं मैं तुझसे, और मैं आशा भी करता हूं कि हम आज के बाद इस विषय पे कभी बात नहीं करेंगे। यू कैन लीव नाउ। मेहुल भाई, कल हम सबके लिए बहुत बड़ा दिन है, इसीलिए बहना एडवांस में हम सबका मुंह मीठा करवा रही है। बोलो। अरे खीर। हाँ, और बनवाई मुझसे। अरे बाप रे। वैसे आप दोनों ना कल दही खा के निकलना, ताकि सब कुछ शुभ हो और कोई गड़बड़ ना हो। अरे कोई दही लच्छी खाने का जरूर नहीं है, सब शुभ ही है, है? काका, हेमराज सेठ से बात हो गई है मेरी। हाँ, नरेन भाई की बात उन्होंने मान ली है, बरोबर है, शादी तो तय ही है, तो दहेज की बात आती नहीं है ना, कंप्लीट एकदम। ये सब मेरी बहन सुरभि के आशीर्वाद की वजह से हुआ है। उसी की आशीर्वाद की वजह से आज हमारी नंदू को इतना अच्छा घर और इतना अच्छा वर मिला है। देखा, हम लोग यहाँ मुंह मीठा कर रहे हैं और सुरभि अपने खाने का इंतजार कर रही होगी। मेहुल, ये तसला जरा वहां रख दे तो। हाँ, रखता हूँ। अच्छा मामा, कल आप रिश्ते की बात करने जा रहे हैं तो अच्छे कपड़े पहन के जाइए। अरे बेटा, ये इसमें क्या खराबी है? अच्छा हुआ विशाखा जो तूने बताया, अगर मैं बोलती ना तो इन्हें बुरा लगता। देखा, सुरभि का खाना यहीं पे रह गया, मैं उसे दे कर आती हूँ। आजकल मुझे कुछ याद ही नहीं रहता है। बहना, पहली बार तेरे हाथ की खीर मुझे बहुत पसंद आई है, कसम से। थैंक यू। सुरभि माड़ी, अनु, आवे, आवे। अरे पानी नहीं दिया है, है किसी ने? आ पानी को ने पानी आपो हमारा। अरे काके आप? हाँ, वो गुड़ भूल गई थी ना। हाँ, गुड़ खिलाने आई सुरभि को। पानी भी नहीं खाए। हाँ, क्या हुआ काकी, कोई प्रॉब्लम? हाँ ना। हाँ मेहुल बेटा, एक बात सच सच बोलना हो। बोलो। हेमराज रतन सिंह ने खरे दिल से आमंत्रित किया इनके मामा को? हाँ काकी, तू चिंता करती हो है? हमाले चिंता कैसे ना करूं, नंदू की जिंदगी का सवाल है बेटा। देखो, अब तक हमने अपने हिसाब से बेटी बनाकर जैसे भी हो उसे पाला, लेकिन अब शादी के बाद मैं चाहती हूं कि उसके आगे की जिंदगी अब तक जो गुजरी है ना उससे भी बेहतर हो। हाँ बेटा, नंदिनी के लिए है ना मेरी एक ही इच्छा है कि उसको
कड़वे नीम जैसे इस संसार में बस एक डाल मीठी मिल जाए। बिन माँ बाप की औलाद है, हमेशा सुखी रहे यही प्रार्थना है। तो सुखी रहेगी ने नरेन भाई, वैसे ये नहीं आप तो मिले हो सीधे एकदम। लेकिन उसके उसके पिताजी तो बहुत कड़क होंगे। नहीं नहीं मतलब होना भी चाहिए, आखिर सिंधुवार समाज के प्रमुख है वो, और हम रोज कुआ खोद के पानी पीने वालों में से। पर हाँ, उनके सामने हमारी हैसियत भले कुछ भी ना हो, पर उस घर परिवार में हमारी बेटी सर उठाकर सब बहुओं के साथ में खड़ी हो सके ना, उसके लिए अपनी हैसियत भूलकर उनकी हैसियत के हिसाब से मैं चाहती हूँ कि ये शादी धूमधाम से हो, ताकि मामी नन्नू की शादी के लिए आपका जो उत्साह है, लागणी है, हाँ। है? मैं समझ सकता हूँ, हमें भी है, नहीं मैं भाई हूँ उसका, नहीं उनके हैसियत के हिसाब से करना वो बहुत महंगा पड़ेगा। खर्चा कितना होगा, वो पैसा हम कहाँ से लाएंगे, है ना? हाँ करेंगे, पर अपने हिसाब से जो होगा करेंगे। बस बेटा एक एक बात का ध्यान रखना, तेरे काका है ना बहुत सीधे है, पक्के उसूलों वाले, पर ये उसूलों का भार है ना सेठ हेमराज रतन सिंह जैसे बड़े लोग ही उठा सकते हैं, हमारे जैसे गरीब लोग नहीं। और ये बात तेरे काका नहीं समझते, कारण के तारा काका बढ़िया छे पर बढ़िया नहीं, मतलब पढ़े लिखे हैं पर दुनियादारी नहीं समझते हैं। इसलिए बेटा ये रिश्ता पक्का करने के लिए थोड़ा बहुत समझौता करना भी पड़े ना, खर्चा उठाना भी पड़े, तो उन्हें मना मत करना, क्योंकि नरेन कुमार जैसा लड़का नसीब से ही मिलता है, और मैं बहुत खुश हूं उसके लिए। मेहुल बेटा कैसे भी करके ये रिश्ता पक्का करके ही आना बेटा, सब कुछ तेरे हाथ में है बेटा। काकी है, ऐसे हाथ मत जोड़ो आप, है? मैं जा रहा हूं, मैं पक्का ये रिश्ता पक्का करके आऊंगा, कंप्लीट सच्चे कंप्लीट। मारा आशीर्वाद छे तने। नंदिनी दहेज के खिलाफ है। मैं भी आप ही का बेटा हूं बापूजी, नरेन हेमराज रतन सिंह, और मेरा उसूल मेरी नंदिनी है बापूजी। क्या सोच रही हो चंचल गौरी? कुछ नहीं। ऐसे कैसे नहीं, इंसान हर वक्त कुछ ना कुछ तो सोचता ही रहता है। जब चुप होता है तब तो पक्का सोचता है, और जब चेहरे पे सोचने वाले हाव भाव होते हैं तब तो एकदम सोचता है। अच्छा आपने तो पूरी रिसर्च कर रखी है सोचने पे। वैसे मैं ये सोच रही थी
कि आप नरेन और नंदिनी की शादी करवाने के लिए इतनी जल्दी मान कैसे गए? चंचल, बेटा है वो मेरा। याद हो मैं बचपन में कितनी बार उसके लिए मैं झुका हूं ताकि मेरी पीठ पे बैठ के वो घुड़सवारी कर सके। और जब पीठ पे बैठता था घुड़सवारी करने तो वो चाबुक भी मारता था मुझे। और एक बार बक्कल लग गया था, चोट लगी थी मुझे यहाँ। वो मुझे याद नहीं, लेकिन वो आपको बेल्ट से मारता था। तो अब इतने सालों बाद अगर फिर से एक बार बेटे के लिए झुकना पड़े तो क्या हो गया? अपने बेटे के लिए चाबुक खाने के लिए तैयार हूं मैं। बापू जी, नहीं, बस बस बेटा बस। क्या हुआ? I'm really sorry बाबू जी, मैंने आपको गलत समझा। मैं जानता हूं कि आपके प्यार दिखाने का तरीका अलग है, लेकिन बाबूजी मैं बस आपसे इतना जानना चाहता हूं कि नंदिनी को लेकर आपकी सोच एकदम कैसे बदली। देखो बेटा, तुम्हारी पसंद मुझे भी पसंद है ये मैं नहीं कहूंगा, क्योंकि मेरा अब भी मानना है कि हर एक एसोसिएशन में फायदा तो होना ही चाहिए। और नंदिनी से शादी करके मुझे तुम्हारा कोई फायदा नहीं दिख रहा है। हाँ, अगर सुजान भाई की बेटी के साथ शादी करता तो तुम्हारा भविष्य सुवर्ण था। और बेटा प्यार का क्या है, वो तो किसी से भी हो जाता है, तुम्हें सुजान भाई की बेटी से भी हो जाता है। अब तुम्हारी माँ को ही देखो ना, मैं उसे कोई भगा के लेके नहीं आया था, अरेंज मैरिज थी हमारी। और सबसे बड़ी बात, शादी से पहले मैंने तुम्हारी माँ का चेहरा तक नहीं देखा था, लेकिन फिर भी प्यार हो गया ना। और इतना प्यार हो गया कि जब उसने कहा कि वो तुम्हारे साथ अमेरिका आ रही है, मैं टूट गया। चंचल, एक बार अपने बेटे के बगैर रह सकता हूं मैं, लेकिन तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता। बापू जी, मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि नंदिनी आपकी सारी उम्मीदों पे खरी उतरेगी। इतना भरोसा तो कर ही सकते ना आपने अपने बेटे पे। अरे कोई बात नहीं, सिखा देंगे उसे। और फिर हम हैं, मतलब तुम्हारी माँ है, पूरा परिवार है, अरे हम सब सिखा देंगे उसे। लव यू बाबूजी। चलो झड़प रखवा नीचे बाप, कहाँ गए सब? नंदू, मितेश, काका, ये देखो, ये सही है। मुझे नहीं पहनना है ये। काका, आप अभी तक तैयार नहीं हुए? अरे बेटा, सुबह से चार बार तैयार हो चुका हूँ, लेकिन तेरी काकी माने तब ना। देख लो मेहुल बेटा, अरे ऐसी शर्ट पहन कर है ना, आजकल कोई खेत में भी नहीं जाता है। क्या बुराई है इन कपड़ों में, स्कूल पहन के भी यही जाता हूँ। बेटी के ससुराल जा रहे हो रिश्ता पक्का करने के लिए, और कल आपके पास टाइम था ना तो नई शर्ट ही खरीद के ले आते, पर नहीं। मामा मामा, ये लीजिए मेरे जूते, आपके सैंडल घिस गए हैं ना, तो आप मेरे जूते पहन लीजिए। उठा उठा ये जूते, नहीं पहनने मुझे, ले जा अंदर अंदर। ये घिस गया, वो घिस गया, कुछ नहीं पहनूंगा मैं बस। अब जो जो गुस्सा तो जो, हे भगवान,
ढंग के एक जोड़ी जूता भी नहीं है और बेटी ब्याहने चले हैं। मैं तो क्या करूं, अभी शर्ट लेने जाऊं बाजार, जूते लेने जाऊं बाजार, हैं? वो राजकोट की बस वाला मेरे लिए रुकेगा क्या? मामा, आपने जो पहना है, जैसे दिख रहे हैं, बिल्कुल अच्छे लग रहे हैं। मामा के कपड़े भी ठीक है और उनकी सैंडल भी ठीक है। हमें किसी को कोई दिखावा करने की जरूरत नहीं। मामा, ये स्टील के डब्बे में मैंने सुखड़ी और खांडवी भरी है, ये ले जाइए। ए हाय हाय, ये पुराने स्टील के डब्बे में? अरे नहीं नहीं, कल ना बाजार से मैं दो नए अच्छे प्लास्टिक के डब्बे लेकर आई थी, उसमें दे दे। मामी, प्लास्टिक के डब्बे में खाना जल्दी खराब होता और पर्यावरण के लिए। बस बस बस, दोनों मामा भांजी का भाषण अभी मुझे नहीं सुनना, चलो। मामा, हाँ भाई चलो, मैं कब मना कर रहा हूँ, चलो 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 जल्दी। अरे एक मिनट, रुको रुको, ये सुरभि, मैंने भले माँ बनकर इसे पाला है, कि तूने तो अपना दूध पिलाया है इसे, तो सही मायने में तू ही इसकी माँ है, इसलिए इसे आशीर्वाद दे कि सब कुशल मंगल हो। हाँ चलो 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 चल। क्या कर रहे हो? अरे शर्ट का बटन भी नहीं डाला है आपने। एक सेकंड, चलो एक मिनट रुक जाओ, एक सेकंड, अभी ठीक है? हाँ अभी ठीक है, चलो। अरे एक मिनट, रुमाल लिया आपने? अरे हमने है भाई, रुमाल है सब, और पैसे का पैकेट। अरे मम्मी, मैंने दे दिया है, शांति। चलो चलो चलो, सब कुछ भूलना नहीं चाहिए ना, जल्दी आए खड़ा रे। बस बस बस, चल भाई भाई भाई, काका बेटो, हाँ ठीक से जाना। हाँ हाँ बस स्टेशन। और मेहुल बेटा, मामा का ध्यान रखना। हाँ चले भाई, बस स्टेशन चल। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। चलो हाँ चलो, संभाल के जाओ। हाँ चल, चिंता मत करना, आप जो नंदू। नरेन जी, जी वो मामा जी और मेहुल भाई अभी अभी राजकोट के लिए निकले। वेरी गुड, मैं उन्हीं का इंतजार कर रहा हूँ। नरेन जी, सब ठीक होगा ना? नंदिनी आप बिल्कुल टेंशन मत लो, सब कुछ ठीक होगा। और मेरे बापूजी ना, मेरे बापूजी दुनिया के सबसे बेस्ट बापूजी हैं, और इस बात का एहसास मुझे कल रात ही हुआ है। आपकी हर बात पर भरोसा है मुझे। मैं आप पे ये भरोसा मैं कभी टूटने नहीं दूंगा, मेरा ये आपसे वादा रहा नंदी। एक बार बात हो जाए तो फिर मैं आपको कॉल करता हूँ, ओके? जी, मैं आपके कॉल का इंतजार करूंगी। बाय। सुनिए ना। सुनाइए। अच्छा लगा मुझे, आपने मुझे नंदू कहा, बस अब आपकी जगह तुम बुलाना शुरू कर दीजिए। ठीक है, जैसा आप जैसा तुम। बाय बाय। ये बस बस भाई बस, थैंक यू बापू, ये ले चल। काका चलो। मेहुल, तेरी काकी ठीक कह रही थी, मुझे ढंग के कपड़े और जूते पहन के आने चाहिए थे। ये बेटा, ये घर में रिश्ता करके हमने, पॉजिटिव बात करो आप, ऐसे नेगेटिव बात मत करो, हैं? बहुत पैसे वाले तो लग रहे हैं, पर अच्छा ही होगा ना, चलो। कब से कौन बैल बजा रहा है?
जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। हाँ जय श्री कृष्ण। ओ हम उपलेटा से आए। उपलेटा से आए? आइए आइए आइए। नन्नी के वहां से? हाँ। मामा जी आप? मेहुल। मेहुल मेहुल। कोई दिक्कत तो नहीं है आने में? नहीं नहीं एकदम बस है ना, तो थक गए लगता है। हाँ। अरे बैठिए बैठिए आप बैठिए। हाँ। अरे आराम से आराम से। आप? मैं मोटा भाई का छोटा भाई, मेरा नाम विरल रतन सिंह। अच्छा विरल भाई। विरल विरल वाह। ननका कितनी बार कहा है कि चंदा मांगने वाले को दरवाजे के बाहर से ही भगा दिया कर। नहीं नहीं वो भिखारी नहीं है, चंदा मांगने नहीं आए, उपलेटा से आए। ये नन्नी के मामा हैं और ये मेहुल। श्री कृष्णा हेमराज सेठ। ये नंदिनी के मामा जी ईश्वर तांबरिया। जय श्री कृष्ण। और मैं मेहुल। अपनी तो फोन पे बात होती है ना? तो आप ईश्वर तांबरिया है जी? मुझे लगा कि ईश्वर वसंत जी। आपकी गैर समझ हो रही है सेठ जी। वो वसंत जी नंदिनी के पिताजी का सरनेम है और ये नंदिनी के मामा जी है उनका सरनेम तांबरिया है। और छोड़ो ना, है नाम में क्या रखा है वैसे भी है। हाँ हाँ एकदम बराबर बापू। सही कहा तुमने, नाम में क्या रखा है लेकिन सरनेम में बहुत कुछ रखा है। उससे कूल और खानदान का पता चलता है। वीरल भाई आपको? अरे भाभी ये नरेन की माँ। हाँ। हमारी भाभी। अरे अरे भाभी जी ये मामा जी नन्नी के और ये मेहुल। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। आप खड़े क्यों हैं? प्लीज बैठिए ना। हाँ हाँ बैठिए बैठिए। आइए 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 बैठिए बैठिए आराम से बैठिए। एक मिनट। हेमराज शेठ मैं पराग बोल रहा हूँ। मुद्दे की बात कर। शेठ जो दो लोग हमें अपनी जमीन देने के लिए आनाकानी कर रहे थे ना उसमें से एक ने आज हाँ कर दी है। पर शेठ दूसरा वाला है ना वो आदर्शवादी बनकर बैठा हुआ है, मुझे नहीं लगता कि इतनी आसानी से वो हमें अपनी जमीन देगा। क्या नाम है उसका? ईश्वर तांबरिया। शेट में अभी उपलेटा में ही हूँ। मैं एक लास्ट टाइम उसे एक फाइनल ऑफर करके देखता हूँ। तू वापस आ जा, मैं सब देख लूँगा। जी सर। मेरी बाईडी। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। समता। तो ये है वो किसान जिसकी आइडियोलॉजी मेरे राजकोट के प्रोजेक्ट में रुकावट बन रही है। अरे मैंने नरेन के मुंह से नंदिनी के इतने बखान सुने हैं कि नंदिनी ऐसी है वैसी है, बहुत सुंदर लड़की है और के। अरे आप लोग बैठो ना। हाँ, हाँ। बैठो बैठिए बैठिए। हाँ। और ये पानी लो पानी लो, आप ही के लिए। धन्यवाद। अभी बाहर धूप थी तो हम नींबू पानी पी के आए है ना? अब अभी पिया ने? जी। हाँ, हाँ। वाह मेहुल, रीति रिवाज को अच्छी तरह जानते हैं। कमता ये लड़की वाले लोग हैं, हमारे घर का पानी तक नहीं पिएंगे। अरे अभी तो सिर्फ बात करने आए हैं, रिश्ता थोड़ी ना पक्का हुआ है। भाई साहब आप पानी पीजिए प्लीज। हाँ हाँ पानी पी लो, आज तो खाना वाना खा के जाना, एक बार शादी हो गई बाद में पता। नानका ये छोटे शहर के लोग हैं, इनकी यही बात तो मुझे पसंद है। चाहे धन दौलत हो या रीति रिवाज, अपनी जान से ज्यादा संभाल कर रखते हैं। वैसे चंचल सही कहती है, आपको पानी पी लेना चाहिए, क्या पता रिश्ता हो या ना हो। वैसे दिखने में हम मॉडर्न जरूर है लेकिन समाज के बनाए हुए संस्कार को अच्छी तरह फॉलो करते हैं।
और आप समझ के मुकुट जो है, इसलिए हम आप ही को तो फॉलो करते हैं कंप्लीट एकदम। मेहुल बहुत अच्छी बात करी तुमने, अब तो मेरी जिम्मेदारी और भी बढ़ गई। अगर ये रिवाज की बात है तो हम इसे जरूर मानेंगे। लड़की वाले तो पानी भी नहीं पी सकते, लेकिन ये सुजान भाई, उसे तो खाने पे बुलाया है मोटा भाई ने, डबल ढोल किए दोनों। नरेन कुमार जी नहीं दिख रहे। होगा तो दिखाई देगा ना, क्या है हमारे घर में जब बड़े बात करते हैं तब छोटे वहां पर नहीं होते, और खास करके जब उसकी शादी की बात चल रही हो। वैसे आपके यहाँ क्या रिवाज है? हमारे यहाँ ना एक्चुअली नरेन बस बाहर जाने के लिए तैयार हो ही रहा। कुणाल, कुणाल बेटा जा नरेन भाई को बुला कर ला जल्दी। अभी जल्दी है, बस अभी आ जाएगा। अब तुम्हारी ये तस्वीर देखने के दिन कहीं ना दिखे, क्योंकि अब तुम हमेशा के लिए मेरे इस घर में और मेरी नजरों के सामने होगी, क्योंकि आज हमारा रिश्ता पक्का हो जाएगा। नंदू वो तो हो ही जाएगा नरेन भाई, नंदनी भाभी के घर वाले आए हैं। आ गए? हाँ। हट, क्या कर रहे हैं? कहाँ जा रहे हैं नरेन भाई? मैं कम से कम एक वीडियो गेम तो डिजर्व करता ही हूँ। हाँ अच्छा बेटे, मौके का फायदा उठा रहा है, ले लेना। थैंक यू। अच्छा जाने दे, अब तो इस घर में पूरी न्यूज फैला कर आता हूँ। ये लीजिए, नरेन भी आ गया। मामा, मेहुल भाई। अरे अरे वाह, जय श्री कृष्ण। मेहुल भाई एकदम कंप्लीट। कैसे आप लोगों को आने में कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं ना आने में? आप पानी वानी समता का की नाश्ता लाएंगे ना? बंद रहा है, बंद रहा है। अच्छा प्लीज बैठिए ना मेहुल भाई, प्लीज हैव अ सीट। चार दिनों में कितना घुल मिल गया है आप लोगों के साथ, इतनी एक्साइटमेंट तो इसे अपनी फैमिली को देख कर कभी नहीं। वैसे मामा जी, अब आप आए हैं ना तो कम से कम 3-4 दिन रुक के जाइएगा, मैं भी बैठ जाता हूं। क्यों बैठ रहे हो, ऑफिस जाओ, हम लोग बात कर रहे हैं ना। बापूजी मैं सोच रहा था कि अगर मैं आ जाऊं। नहीं नरेन, तुम्हारा ऑफिस जाना बहुत जरूरी है, आज तुम्हारे बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग्स है, और हम बड़े बात कर रहे हैं ना तो तुम्हारी जरूरत नहीं है यहाँ पे। अरे बाप रे, इतना कड़क स्वभाव, यहाँ नंदनी खुश तो रह पाएगी ना? हाँ बेटा, तुम्हें बिल्कुल ऑफिस जाना चाहिए, तुम्हारे पिताजी बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो मामा जी ठीक है, मैं ना आप लोगों से ऑफिस के बाद मिलता हूँ, आप लोग कहीं जाइएगा मत, ठीक है? नरेन तुम्हारी तरह थोड़ी है, एक दिन का कह के 4 दिन रुक गए वहां पर। हम निकल जाएंगे बेटा। मामा जी, मेहुल भाई जब आप लोग जाए ना तो मुझे एक बार कॉल कर दीजिएगा, तो मैं आपसे बस स्टैंड मिलने आ जाऊंगा। अरे बेटा लेकिन। अरे मामा जी, बस स्टैंड ना मेरे ऑफिस के पास में है, 2 मिनट लगेंगे मुझे आने में, और आप लोगों को कोई भी दिक्कत या परेशानी आए मुझे फट से कॉल करिएगा, ठीक है? अभी मैं चलता हूँ, आप लोग से मिलता हूँ। ओके मिलता हूँ। हाँ बाय, जय श्री कृष्ण। अरे धवल काका, मैं भी आप लोगों के साथ ऑफिस चल रहा हूँ, 5 मिनट में आ जा। जी ईश्वर भाई, ये है रतन जी परिवार, आओ आओ सब आओ। ये है ईश्वर भाई, नंदिनी के मामा, और ये मेहुल। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। बैठ जाइए, बैठ जाइए। ये नंदिनी ने आप सब लोगों के लिए थोड़ा सा खांडवी बना के भेजी है। खांडवी ले, वो हमारे ऐसे चंचल भाभी जैसी कोई नहीं बनाता। भाभी ये तो एकदम आपकी जैसी दिख रही है, और स्वाद में भी आपके जैसी ही है। मैं आई हूं। तो हम लोग नंदिनी को डॉक्टर इंजीनियर तो नहीं बना पाए, लेकिन ग्रेजुएशन के साथ साथ उसे घर गृहस्थी चलाने के संस्कार और किचन चलाने का हुनर अपनी मामी से सीखा है, तो आपको शिकायत का कोई भी मौका नहीं मिलेगा। हमारे यहाँ शिकायत की कोई गुंजाइश ही नहीं है ईश्वर। वसंत जी, दवल, लखोटिया का 70 करोड़ का पेमेंट आ रहा है जी, माल उसे तभी देना जब पेमेंट पूरा आ जाए जी, और वो डायमंड जो है वो नरेन को दे देना चेक करने के लिए, क्योंकि डी क्वालिटी के हाई कैटेगरी के डायमंड है, और बाद में
अशोक भाई को 10 करोड़ का पेमेंट देना है, वो चेक मैंने तैयार रखा अकाउंटेंट के पास, वो उसे दे देना। और वो नेकलेस डिजाइन उनको दे देना ताकि नए कैटलॉग में वो डाल सके, ठीक है? फनान का ये ऑफिस में क्या है? हमारे स्टाफ में एब्सेंस बहुत बढ़ रही है, ध्यान रखो तुम। बहनों की लिस्ट बनाकर रखी है उन्होंने। धवल काका चले? मेहुल भाई याद से कॉल कीजिएगा। मामा जी हाँ, बाय बाय नरेंद्र भाई, जय श्री कृष्ण। बापू जी चलिए आइए। रौनक बेटा अच्छा हुआ तो आ गया। अच्छा तो मैं किसी से मिलवाती हूँ, नंदिनी के परिवार वाले आए। चल रौनक। ईश्वर भाई भीड़ कम हो गई, अब आराम से बातें कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको अपना घर दिखाना चाहता हूँ। सेठ जी घर तो देख ही लिया है, मुझे पूरा विश्वास है कि हमारी नंदिनी बहुत खुश है। अरे नहीं नहीं ईश्वर भाई, जिस घर में शादी करके आपकी बेटी सॉरी आपकी भांजी आने वाली है, उस घर को देखना आपका फर्ज भी है और आपका हक भी है। आइए। मितेश, मितेश देख ये तब आएंगे ना तो उनको मेरे कमरे में भेज देना, तब तक मैं अलमारी में से गहने निकालती हूँ। ठीक छे मम्मी। अरे बाप रे, ज्वेलरी तो अलमारी में है ही नहीं। मामी कौन से गहने? नंदिनी की शादी के लिए जो गहने तुम्हारी नानी ने रखे थे ना, अरे वो कब से अलमारी में पड़े हैं? क्या ऐसे ही रखना है? अरे अब तो उसे तुड़वा के नए भी तो बनवाने हैं ना। हाँ मरी क्या, मामी ने अलमारी खोली और गहने नहीं मिले तो तूफान आ जाएगा। क्या करूँ क्या करूँ। वेरी गुड नैना, अभी किसकी बुक चेक करेंगे? मेरा। अच्छा मैं इनकी चेक करते हैं, चलो। वेरी गुड। गोट की स्पेलिंग नहीं आती? नहीं। गोट की स्पेलिंग क्या होती है? जीओ एटी। 10 बार लिखो। बुक दो। करेक्ट। एक मिनट आ। इस टाइम पे फोन करना जरूरी है, तुझे पता है ना मेरा ट्यूशन। अरे बहना ट्यूशन विशन छोड़ो, सीधा घर पर आ। मामी गहने निकालने के लिए अलमारी खोलने गई है। गहने तो हमने बेच दिए, मामी निकालेगी क्या? बहना तो तुझे पता है, मुझे पता है और मामा को पता है। मामी को थोड़ी पता है, जरा सोच। मामी को पता चला तो क्या होगा? तू रुक अभी, मैं अभी आ रही हूँ। जल्दी आओ। बच्चो जो चैप्टर दिया है वो दो बार पढ़ लो और 1 बजे खुद चले जाना, ठीक है? मैं आती हूँ। कितनी अजीब बात है वैसे, कितनी दूर से आए हैं, भूखे होंगे, एक घूंट पानी तक नहीं पीने दिया है रस्मों के नाम पर। रस्म रिवाज सिर्फ गरीब लोगों के लिए होते हैं भाभी। बाकी सुजान भाई भी आई गए थे ना यहाँ दावत उड़ाने, क्या वो लड़की वाले नहीं थे? एक घर है, मेहमान भूखे प्यासे चले जाए। और हम कर भी क्या सकते हैं? ले क्यों नहीं कर सकते, जब हमारे मायके वाले आते हैं तब हम कुछ ना कुछ तो करते ही है ना, वही करेंगे। अरे हाँ तो बिल्कुल ठीक कह रही है ना। चल जल्दी से दूध गर्म कर। हाँ अभी करती हूँ। तू खड़ी क्या है, जल्दी कर, शक्कर दे मुझे हाथ में। नंदिनी दहेज के खिलाफ है।
पता नहीं सेठ जी क्या करेंगे, कहीं रिवाज के चक्कर में फिर से कोई मुसीबत ना खड़ी हो जाए। ये है मेरे नरेन का रूम। ये नंदिनी की पेंटिंग नरेन ने अपने हाथों से बनाई है। बचपन में अपने हाथों से उसे ब्रश पकड़ना सिखाया था मैंने, लेकिन आज तक उसने मेरी पेंटिंग कभी नहीं बनाई। बैठिए, देखिए एक इंपॉर्टेंट मामले में मुझे आप दोनों से डिस्कस करना है। बैठिए बैठिए बैठिए। ये क्या चंचल, ये लोग हमारे घर का पानी तक नहीं पिएंगे। तुम जानती हो कि रीति रिवाज भगवान से बढ़कर थोड़ी ना है, और ठाकुर जी के प्रसाद को तो कोई भी मना नहीं कर सकता। लीजिए लीजिए भाई साहब, लीजिए खाइए। आप प्रसाद खाइए जी। ये नरेन कुमार के बापूजी बड़े कड़क व्यापारी हैं, लेकिन माँ में बहुत ममता भरी है। उन्हें देखकर लगता है कि नंदू यहाँ बहुत खुश रहेगी। हाँ, कंप्लीट एकदम। मितेश, एकाबा आए क्या? नहीं, वो मंदिर गई है तो वो नहीं आने वाली है। ये हेताबा भी कमाल है, जब भी काम होता है ना तभी नहीं मिलते हैं। अरे यार ये चाबी पता नहीं तेरे मामा भी है ना कहाँ रख के भूल जाते हैं। आज तो मैं इसका ताला नहीं नहीं नहीं, नहीं 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 मामी, ये बहुत एंटिक डब्बा है और ये टूट जाएगा तो अपना नुकसान हो जाएगा ना, और ये बहुत कीमती है। कीमती है तो क्या करूँ, हाँ इसकी पूजा करूँ? डब्बे से ज्यादा डब्बे के अंदर के गहने जो है ना वो ज्यादा कीमती है, समझा? मामी नहीं। बस एक शब्द नहीं। हाँ मामी, मामी क्या हुआ? मामी मामी डब्बा मत तोड़ना, चाबी मिल गई, मामा का फोन है मामा के पास। हाँ हाँ, लेकिन तू इतनी हाफती हुई क्यों आई है? तुझे पता था कि मैं ये ताला तो नहीं, वो मितेश ने बोला ना आप गहने निकालने जा रहे, तो मैंने सोचा कि गहने कैसे निकालोगे, चाबी तो है नहीं, चाबी तो मामा के पास है, वो जो पैंट पहन के गए ना आज उसमें चली गई। हे भगवान, क्या करूं मैं तुम लोगों का? हाँ नकी नकी चोर जेब में रखी होगी चाबी, शू करवानू तुम्हारा बधानू भाई साहब, सच्चे काई नहीं करूं, वेट करो ने मामा आएंगे ना तो चाबी उनके पास है तब खोलना डब्बा। हाँ हाँ अब तो करना ही पड़ेगा, इसका एंटीक डब्बा जो है। नंदू सोचा कि थोड़े गहने तुड़वा कर नए बनवा लूंगी तेरे लिए, और थोड़े बेच कर जो खर्चा होगा ना शादी का। अब नंदू देख ये डब्बा है ना आज भी उतना ही भारी है। तो मामी रखे रखे डबल थोड़ी हो जाएंगे, फिक्स डिपॉजिट करवाया था क्या? चुप कर डोबा, बस आज तेरे मामा को आने दो, मैं चाबी देने वाली नहीं हूँ। वैसे आजकल नंदिनी के पिताजी क्या करते हैं? पता नहीं हेमराज भाई,
उस घटना के बाद से तो कांटेक्ट नहीं हुआ उससे। मतलब नंदिनी ने अपने पिताजी को देखा ही नहीं? जब से होश संभाला है उसके बाद से तो कभी नहीं। बड़े दुख की बात है कि पिता के होते हुए बच्चों को अनाथ की जिंदगी जीनी पड़ रही है। अनाथों की तरह नहीं सेठ जी, ए काका काकी ने अपने बच्चों की तरह पाला है उनको। हाँ वो तो है, लेकिन क्या है कि जरूरत पड़ती है ना। अब खैर, एक बाप की छत्र छाया आसमान की तरह होती है। जैसे कि अभी ये शादी की बात ले लो, बाप की जरूरत पड़ेगी ना। कन्यादान करके पुण्य कमाने का अवसर किसी किसी की किस्मत में ही होता है, लेकिन वो तो पिक्चर में ही नहीं है। हाँ पर काका, हाँ वो तो है कि ईश्वर भाई एक बाप की जिम्मेदारी अच्छी तरह निभाएंगे, लेकिन शादी करवा पाएंगे ना? मेरा मतलब है कि हमारे समाज के रिवाज के हिसाब से सब कुछ करवा पाएंगे ना? हाँ हाँ हेमराज भाई, वही तो हमारी संस्कृति है। अरे क्या बात कही है ईश्वर भाई, अरे आप खड़े क्यों हो? बैठिए ना, बैठिए ना, बैठो बैठो, आराम से बात करते हैं, बैठो। हमारी सांस्कृतिक विरासत को एक शिक्षक से बेहतर और कौन जान सकता है? और मेहुल, मुझे पक्का विश्वास है कि ईश्वर भाई ने नंदिनी और उसके भाई को माँ बाप की कमी कभी महसूस नहीं होने दी होगी। तो अब सप्ताह कर ले हम लोग। हाँ हाँ। दो दिन तक बारात आपके गांव में रहेगी। पहले दिन चुंदड़ी उड़ाना और फिर रात को डांडिया रास, और दूसरे दिन शादी। तीन दिनों तक मेहमानों की आपका स्वागत आप करेंगे, ये तो आप अच्छी तरह जानते ही होंगे जी। और ईश्वर भाई एक खास बात, नंदिनी को हमारी दूसरी बहुओं के सामने कंपैरिजन में शर्मिंदा ना होना पड़े, इसलिए। वैसे आप देख ही रहे हैं कि ईश्वर की कृपा से सब कुछ है हमारे पास, लेकिन रिवाज तो रिवाज होता है ना, तो रिवाज के मुताबिक आप 50 तोला सोना तो दे ही देंगे। हाँ, ये तो रिवाज है कि 50-16 सोना, और सास और बड़ी सास को 5-5 तोले का सोने का सिक्का, इतना तो हमारे रिवाज के मुताबिक बनता ही है। मेरी माँ सुरभि क्यों कूदी थी वो उस कुएं में? दहेज की मांग से तंग आकर जी ने तो दिया बिठाना दहेज शादी के बाद, लेकिन पापा की बढ़ती लालच के आगे वो भी कम पड़ गया। ईश्वर भाई, भगवान का दिया हुआ सब कुछ है मेरे पास, आप देख ही रहे, और मैं आपसे मांग रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि मुझे उसकी लालच है। नहीं नहीं नहीं, कैसी बात कर रहे हैं हेमराज भाई? ईश्वर भाई आप नहीं मानेंगे, अभी हाल ही में मैंने समाज की तरफ से समूह लग्न करवाए थे और उन सबको गृहस्थी का सामान भी दिया था, मेहुल तो जानता है अच्छी तरह। ईश्वर भाई, मैं ये सब कुछ आपके पास इसलिए मांग रहा हूँ कि मेरी होने वाली बहू, मेरी घर में जो दूसरी बहुएं हैं, जो 100 तोला सोना लेकर आई है, उसके सामने सर उठाकर जी सके। लेकिन सेठ जी, काका की हैसियत के बारे में तो आप जानते हैं। रीति रिवाजों की मर्यादा रखने के लिए एक सलूशन है मेरे पास, बोलो ना। मेरी होने वाली बहू का सर ऊंचा रखने के लिए 100 तोला सोना मैं आपको अपनी तरफ से दूंगा, वो आप रख दीजिएगा। किसी को ये पता भी नहीं चलेगा। हाँ, अगर आपका सेल्फ रिस्पेक्ट आपको परमिशन दे तो। नहीं 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 सेठ जी, नहीं ऐसा नहीं।
मैं जानता हूं कि एक शिक्षक का सेल्फ रिस्पेक्ट उसे कभी अलाउ नहीं करेगा, इसलिए मैं भी बोलने से झिझक रहा था। अब आप ही बताइए मैं क्या करूं। कोई तो रास्ता होगा ना, है कोई रास्ता जिस पे मेरी बहन आपके घर चल के आ सके? हाँ, एक रास्ता है, अगर ईश्वर भाई आपको सूट करे तो। बोले ना है ब्रश भाई। देखिए ईश्वर भाई, रिवाज तो 50-100 तोला सोना देने का है, तो आप दे नहीं पाएंगे। चलिए आपका रास्ता और आसान कर देता हूं, आप जितना दे सकते हैं उतना दीजिए, मैं आपको कोई फोर्स नहीं करूंगा। एक चीज है जो आप मुझे दे सकते हैं। आप बोलिए ना हेमराज भाई। आपका वो खेत जो उपलेटा के हाईवे से लगा हुआ है। वो आप मेरे या चंचल के नाम पर ट्रांसफर कर दीजिए, बाकी सब मैं संभाल लूंगा। ले, मेरा डेस्टिनेशन तो आ गया, अब स्कूटी लेके तू चले जाना, ठीक है? मैं ना एक बात पूछूं, ये सारा दिन किताबें पढ़कर तुझे क्या मिल जाता है? तू अपनी बॉडी के लिए एक्सरसाइज करता है ना? हाँ। वैसे ही मेरे ब्रेन के लिए ये मेरी एक्सरसाइज है। वैसे पता है, अमेरिका के राष्ट्रपति हैरी ट्रूमन हुआ करते थे। उन्होंने कहा, नॉट ऑल रीडर्स आर लीडर्स बट ऑल रीडर्स आर लीडर। मतलब हाँ, समझ गया। पर ये खेत के बीच और वो भी पेड़ के ऊपर, ये समझ में नहीं आया। नितेश, तुझे पता है यहाँ हमारा घर हुआ करता था, माँ और मामा दोनों इस पेड़ पर खेल कर बड़े हुए। शायद मामा ने तुझे ये बात नहीं बताई, माँ जहां पर खेल कूद कर बड़ी हुई वहीं पर उसने अपनी आखिरी सांस भी ली। जब मैं यहां आती हूं ना, मुझे ऐसा लगता है जैसे माँ की गोद में आई। और ये पेड़ ना, ये तो मेरा सिंहासन है। मैं ना मामी की बात करे, वो ज्वेलरी बॉक्स का ताला तोड़ दिया और ज्वेलरी नहीं निकली तो? मितेश, आज के लिए तो संभाल लिया ना हमने मामी को, अब जब मामा आएंगे तो वो संभाल लेंगे, और अगर मामा भी नहीं संभाल पाए ना तो? ए मैं हूं ना। रुक 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 रुक, ड्रामा क्वीन। अब तू स्कूटी लेके जा, मैं अपनी किताब पढ़ के घर जाऊंगी। नहीं 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 नहीं, तू रख अपना रथ और अपना सिंहासन अपने पास, मैं चला पैदल। चल भाई। ईश्वर भाई, मैं ठहरा बिजनेसमैन, मैं कहां जाऊंगा खेत में खेती करने के लिए? वो तो आपका काम है जो आप हमेशा से करते आए हैं। सिर्फ ओनर का नाम बदलेगा और इस बात का हम तीनों के अलावा किसी और को पता तक नहीं चलेगा। हेमराज भाई, वो मेरे पुरखों का खेत है। ईश्वर भाई, ओनरशिप तो बदलती रहती है पीढ़ी दर पीढ़ी। पहले आपके परदादा के नाम पे थी, बाद में आपके दादा के नाम पे, बाद में आपके पिताजी के नाम पे और बाद में आपके नाम पे, लेकिन आपके बाद कौन? वैसे भी नंदिनी और उसके भाई को अपने औलाद की तरह पाला है। हाँ, इसीलिए मितेश को भी तो कुछ देना पड़ेगा ना। ये गलत है, मैं ये बिल्कुल गलत है। जब आप लोग यहाँ पे आए तब लड़का और लड़की को समान अधिकार मिलना चाहिए वो बात कर रहे थे, और अब लड़के के लिए सब कुछ,
और बेटी को कुछ नहीं? ऐसा नहीं है सेठ जी, आप देखिए वैसे भी आपके पास दो प्रॉपर्टी है, घर और खेत। घर तो आप मितेश को ही देंगे क्योंकि आपको भी वहां रहना है, बाकी बच्चा खेत वो नंदिनी को ही मिलना चाहिए। मैं अपनी बहू के साथ ना इंसाफी नहीं देख सकता। सेठ जी आप देखिए ईश्वर भाई, मैं आप पे कोई प्रेशर डालना नहीं चाहता और हर एक को अपनी चद्दर की लंबाई पता होती है, और आपने भी जब इतने पैर फैलाए हैं तो कुछ सोच समझ कर ही फैलाए होंगे ना? नहीं सोचा है तो सोच लीजिए, क्योंकि अब नरेन और नंदिनी का रिश्ता आपके हाथ में है। एक इंपॉर्टेंट फोन करना है, मैं फोन करके आया। नरेन ध्यान कहाँ है तुम्हारा? जिगर भाई सच कहूं तो ध्यान बार बार घर पे ही जा रहा है, पता नहीं क्या हुआ होगा। तो घर पर फोन कर लेना या तो नंदिनी को फोन करके पूछ ले, मामा जी ने कुछ तो बताया होगा। श्योर राइट, मैं नंदिनी को कॉल करता हूँ, मैं बस दो मिनट में। हाँ जी। हेलो नरेन जी, कुछ पता चला? वही तो जानने के लिए कॉल किया। नरेन जी बात आपके यहाँ हो रही है और आप मुझसे पूछ रहे हैं? हाँ लेकिन मैं ऑफिस में हूँ ना नंदिनी, मुझे लगा मेहुल भाई ने तुमको बताया होगा। नरेन जी आपकी शादी की बात हो रही है आपके घर में और आप ऑफिस में हैं। वो ऑफिस में कुछ इम्पोर्टेंट मीटिंग्स थी आज इसीलिए। अच्छा, वर्क ऑलवेज कम्स फर्स्ट। वैसे सच कहूं तो ऑफिस में मेरा मन नहीं लग रहा है, दिमाग में सिर्फ यही चल रहा है कि घर पे क्या बात हो रही होगी। नरेन जी क्या ही बात होगी, बस फॉर्मेलिटी तो करनी है। आपको पता है हमारे रिश्ते की सबसे अच्छी बात क्या है? आपके बापूजी दहेज या किसी भी कुरीति में नहीं मानते और ना ही हम, तो छोटे मोटे व्यवहार और रीतियों के अलावा और क्या ही बात करेंगे वो लोग। अच्छा ये सब छोड़ो, तुम मुझे ये बताओ कि तुम अभी क्या कर रही हो? अपनी जिंदगी जी रही हूँ जी भर के। तो इसका मतलब तुम पेड़ के ऊपर चढ़ के किताब पढ़ रही हो? जी। आप क्या कर रहे हैं? मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ नंदिनी, कि तुम सात पगला चलकर कब मेरे घर में अपने कदम रखोगी। अब इतना टेंशन मत लो काका, नंदिनी की शादी तय करने आए तो थोड़ी हिम्मत रखनी पड़ेगी, है ना? कैसे होगी ये शादी मेहुल? तूने सुना नहीं नरेन के बापूजी ने क्या मांग लिया है? हमारा खेत, हमारे घर में थोड़े बहुत जो गहने थे वो हमने ये खेत बचाने के लिए बेच दी, और अब अगर ये खेत भी चला गया तो हमारे पास बचेगा क्या मेहुल? एक किसान के लिए उसकी पूंजी होती है खेत। अरे हमारी नंदू की मां है ये खेत। हाँ तो मना कर देंगे ने? मना कर देंगे? मैं जानता हूं नंदू का दिल टूट जाएगा पर वो समझदार है, वो समझ जाएगी कंप्लीट। यही तो समस्या है कि वो बहुत समझदार है,
आज तक वो समझती तो आई है। पूरी जिंदगी में नंदू ने मुझसे कभी कुछ नहीं मांगा, आज जिंदगी में पहली बार कुछ चाहा है, वो भी मांगा नहीं है। ऐसे नकाड़ दू? बात सही है काका, लेकिन इतना ऐसे कर पाएंगे आप? वही तो मैं सोच रहा हूं, मैं कैसे कर पाऊंगा। मैं जब से नरेन के पिताजी ने बुलावा भेजा है, नंदू का रोम रोम खुशियों से फूट पड़ रहा है। पूरी जिंदगी में उसे इतनी खुशियां नहीं मिली जितनी उसे सिर्फ इस बात के एहसास से मिल रही है कि उसे उसका प्यार मिलने वाला। कैसे छीन लूं उसकी मैं ये खुशियां, मैं उल कैसे छीन लूं? कैसे छीन लूं उसकी खुशियां? ये रिश्ता पक्का करने के लिए थोड़ा बहुत समझौता करना भी पड़े ना, खर्चा उठाना भी पड़े, तो उन्हें मना मत करना। ये थोड़ा बहुत नहीं, बहुत ज्यादा कॉम्प्रोमाइज है। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।